अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान तैयबा कमल। प्रोग्राम अपनी मेहनत अपने हाथ की एक और नई किस्म में आपके साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, हर इंसान का किरदार एक ऐसी खुशबू की मानिंद होना चाहिए जो फिजा में फैलकर उसको मोअत्तर बना देती है। उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक फैलती है और फिजा को बहुत दूर दूर तक मोअत्तर बना देती है। इसी तरह एक इंसान का अच्छा इखलाक और अच्छा किरदार माशरे को आला मुकाम दिलाता है। वो माशरे में अच्छा मुकाम कैसे हासिल करता है? वो इस तरह से कि जब एक इंसान का अच्छा किरदार होता है, अच्छा इखलाक होता है, तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और तारीफ करने के साथ साथ उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। जब उस इखलाक को अपनाया जाता है तो फिर डेफिनेटली हर इंसान अच्छा होगा। लोग उस इंसान की तारीफ करने के साथ साथ अपने बच्चों को तरगीब देते हैं कि वो उस इखलाक के मालिक बने। इसी तरह प्रोग्राम अपनी मेहनत अपने हाथ का मकसद आपके हाथ की महारत को उजागर करना नहीं, बल्कि आपको सिखाना है कि आप माशरे में आला मुकाम कैसे हासिल कर सकते हैं। आला मुकाम हासिल करने के लिए बहुत तगो दो करनी पड़ती है। उस तगो दो का हम भी हिस्सा बन रहे हैं और आपके साथ मौजूद है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने के लिए और आपको सिखाने के लिए। तो आए चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट अपना तारुफ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमारा है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया है आर्ट एंड क्राफ्ट में, ताकि मैं अपने हाथ के हुनर को निखार सकूँ। और यहाँ पर एडमिशन लेने का मकसद ये है ताकि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकूँ, और इस जरिए से मैंने अपने घर की फालतू अशिया को अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाना सीख लिया है। वेलकम बैक नाज़रीन, ये तो था हमारा फर्स्ट सेगमेंट अपना तारुफ। नाज़रीन, हर हफ्ते आपको हम एक नए स्टूडेंट से मिलवाते हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता चले कि जब इंसान अपनी जिंदगी में मेहनत करने के लिए अहद कर लेता है तो फिर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसको तरक्की करने से रोक सके। मेहनत कभी शॉर्टकट से हासिल नहीं होती है, तरक्की कभी शॉर्टकट से हासिल नहीं होती है, बल्कि इंसान जब अहद करता है कि उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो उसका अहद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। हर स्टेप में उसको मुश्किलात तो जरूर आती हैं, लेकिन जब वो इन मुश्किलात को हिम्मत और हौसले से सहता है तो फिर वो आगे बढ़ता जाता है और एक दिन वो तरक्की की हर मंजिल को तय कर लेता है। नाज़रीन, हमारा मकसद आपके हाथ की मेहनत को उजागर करना है, आपको बताना है कि आप अपनी जिंदगी में क्या क्या कुछ सीख सकते हैं। अगर हम आपको घर बैठकर टीच कर रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि आप आगे बढ़ें। हम आपको सिखा रहे हैं आज अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेहनत तो तरक्की में, घर में पड़े बेकार बोतलों का एक खूबसूरत इस्तेमाल। आप अपने घर में पड़ी बेकार बोतलों को जिनको फेंक देते हैं उनको कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, या उनको कैसे डेकोरेशन पीस बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ हम आपको सिखाएंगे वॉल हैंग। तो चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेहनत और तरक्की की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आज के सेगमेंट में मैं आपको आर्ट की एक नई टेक्निक सिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको घर में नकारा बॉटल और जार पे ट्रेडिशनल स्टाइल से आपको आराइश करना सिखाऊंगी, और आप देखेंगे कि आप एक नकारा चीज के साथ किस तरह खूबसूरत आराइश कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बॉटल है जो बेकार है, इसको हम आपको अरेंज करना बताएंगे। अब इसमें जो हमने अरेंजमेंट में जो मटेरियल यूज करना है, मैं आपको वो मटेरियल बताऊंगी कि वो मटेरियल जो हमने बॉटल पे यूज करना है वो कौन सा है। सबसे पहले हमारे पास बाउल लेस है जो बड़ी आसानी से बाजार से अवेलेबल है, इसमें हमने एक येलो कलर लिया है, उसके अलावा हमने रेड की एडिशन की है। ये आपके सामने है हमारी एक येलो कलर और एक रेड कलर। इसके अलावा जो अक्सर घर में यूज होता है
गोटा किनारी का काम अक्सर शर्ट्स पे यूज हो, जो गोटा किनारी बच जाता है हम उसको आपको बताएंगे कि उसको हम किस तरह डेकोरेशन में ला सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास गोटे की पत्तियां हैं, ये गोटे की पत्तियां हैं, ये गोटे के कुछ फूल हैं, और इसी तरह ये गोटे की लेसीज हैं। उसके अलावा ये कुछ मिरर्स हैं हमारे पास, डिफरेंट स्टाइल के, राउंड में, स्क्वायर में और ट्रायंगल शेप में। अब मैं आपको इस बोतल को अरेंज करना बताऊंगी। सबसे पहले हमने इस पे, जैसा कि आपको ये बताया था कि मटेरियल यूज किए, ये गोटे की किनारी हमने यूज की है। इस गोटे की किनारी से हमने इसका बॉर्डर बनाया है। अब इसके बाद मैं आपको इसको ट्रेडिशनल स्टाइल से इसको अरेंज करना बताऊंगी। सबसे पहले हम गम के साथ मिरर लगाएंगे। अब हम आपको सबसे पहले जो है इस पे मिरर फासले से लगाना सिखाएंगे गम के साथ। इसकी थोड़ी थोड़ी स्पेस पे हमने मिरर लगाना सिखाने हैं आपको। जैसे कि पहले हमने आपको बॉटल पे ऊपर उसकी सरफेस पे गोटा लगाना बताया, उसके गोटे की डोरी से हमने उसके मुंह को कवर किया। उसके बाद हमने इसके स्पेस पे हमने राउंड मिरर लगाए हैं। राउंड मिरर लगाने के बाद हम अब आपको इसके गिर लेस लगाने का तरीका बताएंगे। अब हम लेस लगाने के लिए हमने फास्ट कलर इसलिए यूज किए कि क्योंकि इसको हम ट्रेडिशनल स्टाइल, ट्रेडिशनल रंग देना चाहते हैं, जिसमें हमने फास्ट कलर यूज किए हैं, जिसमें हमने येलो, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन किया है। अब हम आपको सबसे पहले इसका एक बाउल, इसकी एक सरफेस को कवर करना हम बताएंगे कि मिरर लगाने के बाद इसकी ग्राउंड में हमने ग्लू लगानी है। जब हमने मिरर लगाया, मिरर लगाने के बाद इसके राउंड में हमने गम लगानी, गम लगाने के बाद हमने ये कुछ बाउल लेस कटिंग करके रखी हुई, जिसको हमने इसके साथ चिपकाना है। गम लगाने के बाद हमने बाउल जो हैं वो बिल्कुल उसमें गैप नहीं आना चाहिए, बिल्कुल उसके साथ साथ हमने लगाना है उसकी ग्राउंड को फिल करने के लिए। Thank you.
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने गोटी के साथ इसकी एक सरफेस बनाई। सरफेस बनाने के बाद बॉटल्स में मैंने राउंड मिरर लगाए। राउंड मिरर लगाने के बाद मैंने बाउललेस की कटिंग की, जो कि रेड, येलो और ग्रीन कलर में। वो इसलिए हमने ब्राइट कलर यूज किए कि हमने इसको एक ट्रेडिशनल टच देना है। उसके बाद मैंने इसके जो ग्राउंड थी खाली, उसमें मैंने बाउललेस लगाई रेड, येलो और ग्रीन कलर की। अब जो इसकी सरफेस बची हुई है, जो जगह खाली है, अब उसमें हम मजीद इसको ट्रेडिशनल टच देने के लिए गोटे का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको मजीद ट्रेडिशनल टच देने के लिए मैं इसमें गोटे के फूलों का इजाफा करूंगी, ताकि वो मजीद खूबसूरत और रवायती स्टाइल में आपके सामने हो। अब जो इसकी ग्राउंड है खाली जगह, उसमें मैं गोटे के फूल लगाऊंगी। ये फूल आपके सामने सिल्वर कलर में, आप मल्टी कलर्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन मल्टी कलर्स में हमने ऑलरेडी लेस यूज की हुई है, इसलिए हम सिल्वर कलर की एडिशन करेंगे ताकि वो मजीद खूबसूरत लगे। गोटे के फूल लगाने के बाद हम गोटे की पत्तियों का एडिशन करेंगे, जो आपके सामने अब हम इसको लगाना बताएंगे। अभी गोटे के साथ हम यहाँ पे कुछ पत्तियां अटैच करेंगे। उसके लिए पहले हमने गम लगाई। गम लगाने के बाद पत्तियां अरेंज कर लें। हमने एक सर्कल बना दिया, ताकि उस फूल को हमने बड़ा कर दिया, ताकि वो मजीद खूबसूरत लगे। इसी तरह अब इस वाले में हम करेंगे, इसके गिर्द हम सारी गम लगाएंगे। गम लगाने के बाद उसी स्टाइल में हमने पत्तियां लगानी है। जैसे कि पहले हमने आपको बाउल को साथ मिरर को कवर करना सिखाया, उसके फास्ट कलर्स के साथ, फिर इसको मजीद खूबसूरत और ट्रेडिशनल स्टाइल में लाने के लिए हमने इसमें गोटे के फूलों और गोटे की पत्तियों का इजाफा किया है। वो आप देख सकते हैं कि ये
इन वेस्ट मटेरियल के साथ, बची कुची चीजों के साथ, या मिरर्स या लैसेस और गोटे की पत्तियां और फूलों के साथ हमने एक नकारा चीज को किस कदर खूबसूरत आराइश में हमने तब्दील कर दिया है, ये आपके सामने। सबसे पहले हमने गोटे की डोरी के साथ इसका जो सरफेस है वो हमने बनाया, इसकी ग्राउंड बनाई। इसकी ग्राउंड बनाने के बाद हमने मिरर्स का यूज किया। मिरर यूज करने के बाद इसकी जो आउटलाइन है वो हमने बाउल लेस के साथ बनाई, जिसमें हमने रेड, येलो और ग्रीन कलर को हमने चूज किया। फास्ट कलर हमने इसलिए रखे क्योंकि हम इसको एक ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हैं। इसको बाउललेस लगाने के बाद इसकी जो सरफेस थी वो ज़्यादा ग्राउंड खाली थी, उसको हमने मज़ीद खूबसूरत और कवर करने के लिए हमने गोटे की पत्तियाँ और गोटे के फूलों का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने सिल्वर कलर को यूज़ किया। सिल्वर के साथ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास तीन डार्क कलर थे, इसलिए हमने लाइट पिंक का इंतखाब किया। और ये देखें कि एक नकारा चीज़ को वेस्टेज मटीरियल के साथ हमने किस कदर खूबसूरत अंदाज में अरेंज किया है, जो आपके सामने है। आज हमने आपको वेस्टेज मटेरियल के साथ ट्रेडिशनल आर्ट का हमने एक आपको स्टाइल सिखाया है, जिसमें हमने वेस्ट क्रिस्टल की बॉटल जार्स को हमने खूबसूरत तरीके से बाउल लेस के साथ और गोटे और उसकी पत्तियों के साथ हमने आपको अरेंज करना बताया कि किस तरह हम शीशे के साथ उसकी सरफेस बाउल लेस के साथ बना के और उसमें हमने गोटे की एडिशन करके हमने उसको एक ट्रेडिशनल लुक दी, जो कि वो आपके सामने के घरों के साइड टेबल्स में रखने के लिए ये खूबसूरत एक जार तैयार है जो आपके सामने। इसके अलावा हमने जिस तरह हमने ट्रेडिशनल फास्ट कलर यूज़ किए हैं, उसमें हमने एक एंटीक स्टाइल में भी बॉटल्स बनाई है, जिसमें हमने ब्राउन और ब्लैक का कम्बिनेशन किया है। ब्राउन और ब्लैक का कम्बिनेशन करके उसके साथ हमने ब्राउन रिबन का एडिशन किया, जिसकी हमने टाई बना दी है। डबल टाई लगाने के बाद हमने नीचे ग्लिटर वाला, शाइन वाला रिबन लगाया, जो जिससे हमने इसकी पूरी बाउंडर लाइन को कवर किया है, बाउंड्री लाइन को हमने कवर किया है ब्राउन ग्लिटर वाले रिबन के साथ। उसके बाद हमने इसके नीचे जो है इस जगह ये जाली यूज की है, शाइन वाली जाली यूज की है। उसके बाद हमने यहाँ पे मिरर्स लगाए हैं। मिरर्स लगाने के बाद हमने बाउल लेस ब्राउन कलर में यूज किए, उसके साथ हमने कंट्रास्ट किया ब्लैक का, क्योंकि हमने इसको एक एंटीक शेप में लाना है, एंटीक लुक देनी है, इसलिए हमने इसमें ब्राउन ग्लिटर, ब्राउन डल और ब्लैक डल तीन चीजें हमने यूज की है। इसके अलावा एक और जार हमारे पास, जिसमें हमने सिंपल सेबे का, मल्टी कलर में सेबे का, सिर्फ हमने उसकी रोटेशन की है, सेबे को हमने उसके गिर्द अरेंज किया है। इसमें आप चाहें तो बाउल लेस का एडिशन कर सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं, मिरर्स लगा सकते हैं या स्टोन्स लगा सकते हैं। वैसे तो इस पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मल्टी किस्म का है, इसलिए हम इसको सिंपल जार रखेंगे। इस जार पे जो हमने सेबे का अरेंज किया है, इसको हमने सेबा स्किन कलर का सेबा था, जिसको हमने मल्टी कलर्स में हमने इसको डाई किया है। कलर्स हमने वो यूज़ किया है जो आम कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें हमने फिरोजी, पिंक और ब्राउन शेड दिया है और साथ थोड़ा सा स्किन कम्बिनेशन किया है। और उसको मल्टी कलर्स देने के बाद हमने इसके साथ सारा सेबे को इस वॉस पे अरेंज कर लिया है। इसका कम्बिनेशन बनाने के लिए हमने इसका चाबों का इसके साथ सेटअप बनाया है। इस सेटअप के साथ हमने पंखों की भी अरेंजमेंट की है। आज हमने आपको एक ट्रेडिशनल आर्ट सिखाया कि उसमें मल्टी कलर्स के साथ, जिसमें हमने पंखियों का, छाबों का और बॉटल्स का अरेंजमेंट अरेंज किया है, कि उसको किस तरह हम खूबसूरत तरीके से एक ट्रेडिशनल लुक दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेगमेंट में आपको एक नए हुनर के साथ मुतारफ कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
नाज़रीन, इल्म कभी फैलाने से घटता नहीं और ना फैलाने से बढ़ता नहीं। मौलिम अपने इल्म को जितना फैलाता है उतना ही उसके इल्म में निखार पैदा होता है। तो आज की किस्म में मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।